हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मानू बीएड मैथमेटिक्स में कितने बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में हो जाएगा, और उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कितने रैंक तक का एडमिशन हो सकता है और कितने रैंक तक का एडमिशन दरभंगा में हो जाएगा। ठीक है, कितने रैंक तक के बच्चों का दरभंगा में एडमिशन हो जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मानू में जो टोटल सीट है मैथमेटिक्स के लिए वो है 163 बीएड में मैथमेटिक्स के लिए सारे कैंपसेस को मिला के। इसमें से अनरिजर्व्ड कोटा का सीट 163 में से अनरिजर्व्ड सीट जो है वो है 65, EWS के लिए है 17, OBC का है 44, SC का है 25 और ST का है 12। तो ये टोटल जो है सो कैटेगरी वाइज सीट है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस सेंटर पे, यानी कौन कौन से सिटीज़ में कितने सीटें हैं मैथमेटिक्स बीएड में, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हैदराबाद में जो सीट है, हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल और आसनसोल, इन चारों जगह जो है सो 25-25 सीटें हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स बीएड का। और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में 12 या 13 सीट होगा। ठीक है, संबल यहाँ भी 13 सीट है। उसके बाद औरंगाबाद यहाँ भी 13 सीट, बीदर यहाँ पे 13 सीट है, और उसके बाद नूह में 12 सीट। ठीक है, तो टोटल मिला के ये हो जाता है 163। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे मैथमेटिक्स में। जो है बच्चे जो अपीयर हुए थे वो हैं 263। ठीक है, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में, इंट्रेंस एग्ज़ाम में। और एब्सेंट जो बच्चे थे, टोटल बच्चे जो एब्सेंट थे, टोटल बीएड के पांचों प्रोग्राम मिला के जो एब्सेंट थे बच्चे, वो थे 901। यानी ये टोटल मैं बता रहा हूँ, उर्दू, SST, मैथ, बायोलॉजी और फिजिकल साइंस। इससे पहले वीडियो में मैं बता दिया था, गलती से मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो बायोलॉजी में मैंने बता दिया था कि इतने बच्चे एब्सेंट थे, 3895 इतने बच्चे एब्सेंट थे, नहीं, जबकि ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से गलती हो गई थी। तो टोटल पांचों सब्जेक्ट का मिला के 901 बच्चे एब्सेंट थे, लेकिन मैथमेटिक्स में अपीयर हुए बच्चे 263। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि किस किस सेंटर पे कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और किस किस स्टेट में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चे अपीयर हुए हैं। लखनऊ में 2 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद संबल 3 और वाराणसी यहाँ पे 2। तो टोटल यूपी से 7 बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बिहार की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार से ही बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। सिवान में 2, पटना में 79, किशनगंज में 21 और दरभंगा में 104। तो सब मिला के टोटल बिहार में 206 बच्चों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। रांची में 3 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, मतलब झारखंड में टोटल 3 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। फिर नूह यहाँ भी 3 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, यानी हरियाणा में 3 बच्चों ने,
एग्ज़ाम दिया, उसके बाद है हैदराबाद, तो यहाँ पे 14 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, यानी टोटल तेलंगाना में 14 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली NCR, यहाँ पे टोटल 4 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, यानी दिल्ली UT से टोटल 4 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। बीदर एक बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, और बेंगलुरु यहाँ पे 2 बच्चे ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो टोटल मिला के कर्नाटक में 3 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है इस स्टेट में। आसनसोल यहाँ पे 23 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, इसका मतलब है कि टोटल वेस्ट बंगाल में 23 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आएगा, कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, और कितने रैंक तक पे दरभंगा में एडमिशन हो जाएगा। फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में टोटल 147 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये मिनिमम है। तो 147 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ज़्यादा 2-4 बच्चों का और ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में जो सिलेक्शन हो जाएगा, तो 147 बच्चों का जो सिलेक्शन होगा, तो वो कैटेगरी के वाइज हिसाब से सिलेक्शन होगा। अब इसमें क्या होगा कि 147 बच्चों का सिलेक्शन का ये मतलब नहीं कि 147 रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, कतई ये मतलब नहीं है। इसमें क्या होगा, जो कुछ स्पेशल कैटेगरी का से मेरे मुराद ये होती है हर वीडियो में कि SC ST, ठीक है, या फिर EWS, या फिर PWD, है ना, या फिर NSS, NCC, है ना, और आपका है स्पोर्ट्स कोटा, CAP, इस तरह का जो भी कोटा है, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट, तो इस तरह का जो कोटा होगा, तो उसमें से जो है सो इसके बाद भी और इसका दुगना रैंक होने के बावजूद भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जितने बच्चों का इन सेक्शन से, ठीक है, SC ST, EWS है, PWD है, उसके बाद क्या है, NCC, NSS, ठीक है, CAP, उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट है, ठीक है, उसके बाद और भी कई कोटा है जो स्पेशल कैटेगरी में आता है, तो उनमें से जितने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ होगा, तो उतना रैंक इसमें से कम हो जाएगा, ठीक है। यानी 147 तो कुल मिला के 147 प्लस रहेगा, लेकिन इसमें से जितने बच्चों का इधर सिलेक्शन होगा, उतना इधर रैंक में पीछे जाता रहेगा। और ये कौन सा सीट होगा, अनरिजर्व वाला, ठीक है। तो इसमें अनरिजर्व के 147 में से सिर्फ और सिर्फ 40% बच्चों का सिलेक्शन रहेगा अनरिजर्व में, जो किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन जिसका नहीं होगा। तो कुल मिला के 147 बच्चों का सिलेक्शन होगा, और इसमें 147 में 2-4-5 ज़्यादा भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब दरभंगा में एडमिशन जो है कितने रैंक तक के बच्चों का हो जाएगा, ये हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, जिसका भी रैंक 28 या उससे कम होगा, उसका दरभंगा में एडमिशन हो जाएगा आसानी से, ठीक है, ये लगभग कन्फर्म समझिए, ठीक है। और इसके बाद वाले रैंक का भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन वो कौन सा सिचुएशन में होगा, अगर बच्चा PWD का होगा, या फिर SC ST, ठीक है, NSS, NCC, ठीक है, CAP, इस तरह का जो भी स्पेशल कोटा होगा, उस कोटा से अगर बच्चा आएगा, तो 28 क्या 56 रैंक रहे तो भी हो जाएगा। इसके साथ साथ EWS, ठीक है, EWS वाले बच्चे का भी सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, EWS वीमेन का भी हो जाएगा, इसके बाद भी रैंक अगर है तो, उसके बाद OBC वीमेन का भी हो सकता है, तो उन लोगों का सिलेक्शन इसके बाद वाला रैंक भी रहे तो हो सकता है। लेकिन 28 जो मैंने रैंक बताया ये सेफ बताया है, तो 28 रैंक है अगर, तो आपका एडमिशन लगभग कन्फर्म हो जाएगा दरभंगा में। लेकिन यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, वो क्या है कि पहली बात ये है कि आप जो है, पहला क्राइटेरिया है कि आपने
बिहार के किसी भी सेंटर पे एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, बिहार के किसी भी सेंटर पे एग्ज़ाम दिया होगा। और दूसरा क्राइटेरिया है कि दरभंगा को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में चुना होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे दो क्राइटेरिया है कि बिहार के किसी भी सेंटर पे आपने एग्ज़ाम दिया होगा और दरभंगा कैंपस को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में चुना होगा तो आपका एडमिशन यहाँ दरभंगा में हो जाएगा। 28 रैंक या उससे कम होगा तो आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपका रैंक है तो घबराने की बात नहीं है। मैंने जो बहुत सारा कैटेगरी बताया है उस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 28 के 28 का दोगुना भी रहेगा तो हो सकता है आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए फर्स्ट लिस्ट में। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।